मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी दी। आज अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए। परसों से माननीय मुख्यमंत्री जी 1-to-1 विभाग से माननीय मंत्रियों से चर्चा करेंगे। सभी मंत्रियों को पूर्व में ही इसकी सूचना होगी और यह समीक्षा पूर्व की भांति लगातार अगले हफ्ते भी जारी रहेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, जो कल समितियां घोषित की गई हैं मंत्री समूहों की, वो सभी समूह 2-3 दिन के अंदर अपनी बैठकें समूहों की कर लें और सोमवार तक सभी समूह अपनी सिफारिशें और रिपोर्ट अनुशंसा सहित जमा कर दें। आज कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया वह विद्युत नियामक आयोग द्वारा जो सब्सिडी टैरिफ आदेशों के लागू के विद्युत दरों में जो सब्सिडी दी जाती है उसको भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। 98 लाख उपभोक्ता मध्य प्रदेश में ऐसे हैं, 98 लाख परिवार के जिन्हें 100 रुपया महीना बिजली का बिल जिनसे लिया जाता है, जबकि वह 100 रुपया प्रति यूनिट के हिसाब से 543 की जगह 100 रुपया लिया जाता है और यह 21,000 करोड़ रुपया दोनों का मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार वहन करती है। आज अन्य निर्णय में जो मध्य प्रदेश के उपार्जित धान हैं उनको किसानों से उपार्जित धान की मिलिंग के संबंध में भी 4 स्लैब का निर्णय लिया गया, जो 50 से 200 रुपए क्विंटल तक दिए जाने वाले, इसमें 3 स्लैब 50 से 200 के बीच में है उसका भी निर्णय लिया। यहां मैं यह भी कहना प्रासंगिक समझूंगा कि 2 निर्णय इसी चर्चा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने और दिए। एक, धान के उद्योग लगाने के लिए प्रदेश में पॉलिसी लाई जाए। दूसरा, इथेनॉल का मध्य प्रदेश के अंदर प्लांट बढ़ाने के लिए भी पॉलिसी शीघ्र जारी की जाएगी धान और इथेनॉल की, जिससे प्रदेश में हमारी धान की मिलिंग की दिक्कत भी खत्म होगी और डीजल वाली दिक्कत भी खत्म होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एमएसएमई विभाग को इसको लोगों को प्रेरित करने के लिए भी कहा है कि इस विभाग में अगर हम धान को इथेनॉल को ले आते हैं तो मैं समझता हूं कि जल्दी होगा और इसमें अब एमएसएमई विभाग इन दोनों की पॉलिसी और लेके आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV भोपाल।